अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से बहुत बहुत। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसी खुशियाँ दिखाए और आप लोग ऐसे खुश रहें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ईद की कोई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, वो इस वजह से क्योंकि ईद के फर्स्ट डे चांद रात वाले दिन ही अनापिया की तबीयत ख़राब हो गई थी। हम लोग हॉस्पिटल में ले रहे कुछ घूम रहे थे, कभी जीना कभी कोई हॉस्पिटल तो कभी कोई हॉस्पिटल। इस वजह से हम लोगों ने मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की, तो सोचा आज आप लोगों से शेयर करूं कि मैं टेंशन में थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता देना चाहिए। आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों से सारी बात डिस्कस करते हो, आपसे अपनी सारी फैमिली मिलवाई है मैंने और आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया, तो इसलिए सोचा। अभी भी मैं अनाभिया को ड्रिप लगवा कर लाई हूँ, सो रही है, तो बस अब तो काफ़ी बेहतर है। तकरीबन वहाँ चांद रात से लेकर आज जाकर ठीक हुई है। आज है तीसरी ईद है, तीसरा दिन है ईद का, आज तीसरा चौथा दिन है ईद का। ईद ख़त्म हो गई है, आज तीसरा दिन है। आज आखिरी दिन है ईद का, तो आज अनाभिया ठीक हुई, तो सोच रही थी कि मैं आपसे कि वीडियो शेयर करूँ नहीं करूँ। फिर इरफान तो ये भी कह रहे थे कि हॉस्पिटल की वीडियो बना लो ये वो, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि वो उसको फूड पॉइजनिंग हो गया था और मोशन और उल्टियाँ इतनी हो रही थी, वॉमिटिंग येलो कलर की हो रही थी और हम लोग बहुत टेंशन में थे। बस खुदा से दुआ कर रहे थे कि बस ये किसी तरह ठीक हो जाए। फिर अभी भी इसको इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, ड्रिप पे लग रही हैं, अभी बेहतर है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसके हाथ में अभी भी कनौना लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। अभी सो रही है, अभी भी इसको कनौना लगा हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोग बस इसी तरह अपना प्यार देते रहे और अनाभिया के लिए दुआ करें, खुदा से जल्दी सेहत याब करें। और आप लोगों के मैंने कमेंट्स देखे, मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने डाली अपने हस्बैंड के साथ, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसने आप लोगों, और बहुत शुक्रिया जब आप लोग ऐसे मैसेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में भी ज़रूर बताते रहें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। और अनाभिया के लिए मैं एक बार फिर बोलूँगी कि आप लोग प्रे करें और जल्दी वो सेहत याब हो जाए, फिर मैं आप लोगों के साथ दोबारा से रूटीन की तरह वो कुकिंग की वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। बस एक बार अनाभिया ठीक हो जाए।